अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त यजद में एक कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे डेटाबेस और मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे जितना भी काम होता है वो यहाँ से ही होता है। यहाँ मैं भी यहाँ से अटैच हूँ इन लोगों के साथ, और जो PhD का डेटा है वो भी मैं इनके साथ ही मिलके कर रहा हूँ। तो ये बड़ी अच्छी जगह है और काफ़ी जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से लोग ऑस्ट्रेलिया, मतलब एक दो तीन लोग फिनलैंड से करके आए हुए हैं, कोई UK से PhD करके आए हुए, तो यहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं। फिर वो आपको गाइडलाइन देते हैं डेटा के हवाले से, फिर आर्टिकल कैसे मैनेज करना है, SPSS पे कैसे काम एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा इंटरेक्शन रहता है इनके साथ। मोस्टली मैं आता रहता हूँ हर दूसरे दिन, रोज़ रोज़ या दूसरे दिन तीसरे दिन तो लाजमी होता है। डॉक्टर मसूद भी यहाँ होते हैं और जो मेरे सुपरवाइज़र हैं, तो बड़ी अच्छी जगह है। इसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलें तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है अफशार हॉस्पिटल, बीमारिस्तान उसका नाम है पूरा, बीमारिस्तान मोहम्मद सादिक अफशार। ये आगे सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, वो शायद यहाँ से नज़र ना आए, मैं थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। ये डॉक्टर मसूद की गाड़ी है, सेंट ऑफ है, जिसका नंबर मुझे, ये पर्शियन नंबर जो है ना मुझे पढ़ना नहीं आता, थोड़ा बहुत हुंडई की है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, बीमारिस्तान है अफशार, और जो हॉस्पिटल है वहाँ तो शायद मैं अभी नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं डॉक्टर मसूद का वेट कर रहा था, अभी हमने कॉलेज जाना है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो वो अभी एक मीटिंग में है, मैं बाहर उनका वेट कर रहा था कि हम जाएं इकट्ठे। तो फिर मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। इसके बिल्कुल अटैच एक होटल है, पर्शियन होटल, लेकिन वो उसकी जो ये लगी हुई है ना बाढ़, उसके बाहर है। पर्शियन होटल बहुत बड़ा होटल है, इसकी बाउंड्री भी बहुत ही लंबी चौड़ी, यहाँ से हो सकता है नज़र आए। शायद अब नज़र आए तो पर्शियन होटल, तो ये बहुत बड़ी, मतलब हो सकता है कि एक मुरब्बे पे हो, बहुत बड़ा होटल है। इसमें अंदर बाग और इस किस्म की चीज़ें, ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि ये इसकी बाउंड्री बहुत लंबी है, तो किसी टाइम ऐसा मौका आया तो मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने देख लिया, तो इस तरीके से हैं मामला। बाकी इंशाल्लाह आगे किसी और वीडियो के साथ आपके लिए फिर मैं आऊँगा। ओके, फ़िलहाल थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय बाय।